क्या बोल रहे थे? प्रशासन के द्वारा आपके रैली में लोगों को नहीं पहुंचने के लिए जगह जगह प्रशासन शासन प्रशासन बहुत प्रयास किया, फोर्स उतार दिया। लोभिंदा से डर गया क्या सरकार? लोभिंदा से डर गए क्या आप? क्या बोले सरकार लोभिंदा से डर चुके हैं? अरे डरना नहीं था, आप लोग देख लीजिए जनमत किसके साथ है। आज इतना रोकने के बाद भी, हर जगह पुलिस फोर्स रहने के बाद भी गाड़ी रोक दिया गया लोगों का। अभी बहुत बताओ के गोद में बच्चे लोग थे, मैंने यहाँ को बताया कि छोटा छोटा बच्चा है हम लोग के गोद में, हम लोगों को यहाँ धूप में खड़ा कर दिया, गाड़ी नहीं जाने दे रहा है। मैंने कहा माँ बहन आप लोग जो जिसका जिसका गोद में बच्चा है आप लोग लौट जाओ, कहीं छाव में बैठ जाओ। और फिर धीरे धीरे करके लोग पैदल भी आए, बहुत लोग गाड़ी से भी आए, कोई इधर से घूम कर आए, कोई उधर से घूम कर आए, इतना परेशानी हुआ लोगों को। लेकिन फिर भी आज जनमत मेरे साथ है और इस बात को आज हमने दिखा दिया। क्या प्लान है सर? आप पे आरोप लग रहा है कि आप और सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए कोई आदमी बोलता है कि लोबिन ढबराम और सीता सोरेन बीजेपी में मिल रहा है, अपना देखा था क्या कि लोबिन ढबराम और सीता सोरेन बीजेपी में मिल रहा है? अरे यही शख्स है आज जिस समय हमको टिकट नहीं दिया 295 में और 1995 में, और मैं निर्दलीय जीता, लोगों ने हमको जिताया और फिर भी हमने शिबू सोरेन को नहीं छोड़ा, ये तीरदर्ज झंडा को हमने नहीं छोड़ा। लेकिन वही स्टीफन बरंडी वो पहला चला गुरुजी का, गुरुजी को छोड़ के चला गया कांग्रेस में, और कांग्रेस में जब उसको सम्मान नहीं मिला तो लास्ट में फिर यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सम्मान दिया उसको। और आज वो हम पर इल्जाम लगा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में मिल रहा है, बीजेपी के बहका में ऐसा कर रहा है। लोबिन हेम्ब्रम सरकार के विरोध में बात करता है, लोबिन हेम्ब्रम संगठन के विरोध में बात करता है। लोबिन हेम्ब्रम वैसा दे पहले तुम अपना गिरीबान को झाको और लोबिन हेम्ब्रम पर तब उंगली उठाना। स्टीफन का कहना है कि लोबिन पढ़े लिखे हो, पीएचडी किए हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको तो पता नहीं है। अगर तुमको पता होता, तुम सीनियर मोस्ट हो, क्यों नहीं मुख्यमंत्री को कहा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? क्या बजाय हम बोल रहे हैं, क्या यहाँ स्थानीय नीति नहीं होना चाहिए? पूरे देश के अंदर में हर राज्य में सभी राज्य का अलग अलग स्थानीय नीति होता है, लेकिन आज झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना, इसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या आप डिबेट के लिए तैयार है स्टीफन दा के साथ? बिल्कुल तैयार है, जिसके साथ भी हमको बैठा दो डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपके आंदोलन के साथ किनका समर्थन है? देख नहीं है ना, नहीं देख रहे हैं। राजनेताओं की बात करें तो किनका समर्थन? राजनेताओं की बात करें, राजनेताओं को करे कोई करे या न करे, समर्थन करे या न करे, वो अपना दिल से पूछे कि हमको समर्थन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने इतने लोग हैं जो हमारे साथ हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी तो क्या करेंगे? अरे हम तो अल्टीमेटम दे दिया है, अगर नहीं मानी तो 5 अप्रैल को झारखंड, 5 मई को झारखंड बंद का मैंने आह्वान किया है फर्स्ट फेज में। इसके बाद नहीं होगा तो सारे लोगों से जो हमारे समर्थक है उनसे सलाह मशवरा करेंगे, फिर अगले का रणनीति हम तय करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।